स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर का वैकेंसी है वो रिलीज हो चुका है अपने यहाँ हर स्टेट में, भारत के हर स्टेट में रिलीज हो चुका है। बट ये जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। अब स्टेट वाइज के साथ साथ यहाँ पे जोन वाइज, जोनल वाइज जैसे कि रैली भर्ती होता है उसके अनुसार यहाँ पे ऑनलाइन होना है, उसके अनुसार डेट निर्धारित किया गया है और किस राज्य में किस जोन में कब तक क्या डेट है और क्या उसकी क्राइटेरिया है सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे मैं पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर अदर स्टेट के हैं तो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जानकारी यहाँ पे। तो देन गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली रिक्वायरमेंट 2023 की नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें कि देख सकते हैं यहाँ पे 16 फरवरी यानी कि आज की डेट में यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और यहाँ पे फीस रखा गया आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी ईबीसी डब्ल्यू के लिए, मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 और एससी एसटी के लिए 250, मीन्स सबके लिए एक रेट रखा गया है, मीन्स 250 रुपये, या चाहे वो एससी एसटी हो या चाहे वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हो। और यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट बहुत ही यहाँ पे जरूरी होता है जानना समझना। यहाँ पे देख सकते हैं एज ऑन 1/10/2023 यानी कि आने वाले 1 अक्टूबर 2023 के डेट में आपका जो एज है 17.5 साल होना चाहिए, यानी 17 साल 6 महीने यहाँ पे होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है 21 वर्ष के अंडर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों जो एज देख पा रहे हैं इस दोनों के अंडर आपका अगर एज अगर 10 अक्टूबर 2023 के अंडर पहले तक अगर आपका रहता है तो आप यहाँ पे एजिबिलिटी। अब यहाँ पे बिटवीन दे दिया गया है एज बिटवीन 1/10/2002 से लेकर के 1/4/2006 के बीच का, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है तो ही आप यहाँ पे फॉर्म है जो भर पाएंगे। पर और समझेंगे 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच का अगर डेट ऑफ बर्थ आपका रहता है तो ही आप यहाँ पे जो है इस फॉर्म को यहाँ पे भर पाएंगे। यहाँ पे हम अगर एजुकेशन एजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है अग्निवीर रिक्वायरमेंट कैंडिडेट मोस्ट रेसिडेंटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर इज रैली इज गोइंग ऑन अप्लाई फॉर रिक्वायरमेंट। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो आपका जोन है उसी जोन के लिए आप पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर आप दानापुर जोन से रिलेटेड हैं तो वहीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर या अदर स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट में क्या है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी में आपका है, टेक्निकल क्लर्क है, स्टोर कीपर है और ट्रेडमैन है। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8th पास ट्रेडमैन के लिए होता है और 10th 12th पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी के लिए होता है। मीन्स अगर आपको बात कहें यहाँ पे अगर ट्रेडमैन में जाएंगे तो उसके लिए आपको 8th पास होना चाहिए और आप यहाँ पे जीडी में जा रहे हैं तो 10th पास होना चाहिए। एग्री मार्क्स जो होता है 33% से ऊपर होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स में 33 नंबर से अधिक का आपका जो है मार्क्स होना चाहिए। और टेक्निकल क्लर्क वगैरह के लिए चाहिए तो 10+2 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए अगर आपको कराना हो तो यहाँ पे 10+2 यहाँ पे आपका होना चाहिए विद इंग्लिश सब्जेक्ट, देन जो है आप स्टोर कीपर या जो है क्लर्क में यहाँ पे काम मीन्स अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें फिजिकल एजिबिलिटी की तो ग्रुप 1 के लिए यहाँ पे दिया गया है 1.6 किलोमीटर रनिंग की स्पीड है, यहाँ पे रनिंग चाहिए और यहाँ पे 5 मिनट 30 सेकंड में पासिंग मार्क्स होता है जो 60% मार्क्स यहाँ पे मिलता है रनिंग के लिए। पुल अप जो दिया गया है, पुल अप्स जो दिया गया है 10 टाइम्स मारना है, 40 मार्क्स का है यहाँ पे, और 9 फीट डिच है यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसके पास झिकझैक बैलेंस है। और मोर एजिबिलिटी के लिए यहाँ पे जो है आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, बाकी ये जो है क्राइटेरिया है अगर ये आपके पास है तो या ये फॉर्म आप अपनाई ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे किस जोन में कितना वैकेंसी है ये चीज़ जानकारी हम नोटिफिकेशन के अनुसार जानेंगे, बट यहाँ पे किस जोन में एग्जाम डेट क्या है और किस जोन का जो लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का है वो यहाँ पे दिया गया है। इसलिए आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाकर ये देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाकर के इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। बट यहाँ पे हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश का जोन है दिया गया है जो कि सारे जो हैं सभी स्टेट के जो हैं 16 फरवरी से यहाँ पे जो है फॉर्म ऑनलाइन होना आवेदन स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है उसका यहाँ पे 15 मार्च सारे जून का है। मीन्स अभी यहाँ तक पहले इसके पहले क्या था कि सब स्टेट का अलग अलग डेट था, लेकिन अभी क्या है कि सभी जून का सभी स्टेट का यहाँ पे जो भी स्टेट का यहाँ पे फॉर्म रिलीज हुआ है तो सभी स्टेट का जो एक डेट दिया गया है 16 फरवरी से लेकर के यहाँ पे 15 मार्च 2023 तक। अब जैसे हम बिहार की बात करते हैं यहाँ पे फीमेल के लिए अलग से ऑनलाइन करने का यहाँ पे दिया गया है और मेल के लिए अलग से दिया गया है। यहाँ पे फीमेल गया और बिहार में
दानापुर का अलग से दिया गया है और यहाँ पे मेल के लिए अलग से दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप आर ओ एच हेडक्वार्टर दानापुर का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 17 अप्रैल 2023 को एग्जाम डेट है और यहाँ पे जो है फॉर्म ऑनलाइन ऑनलाइन करने का डेट जो है 16 फरवरी यानी कि आज के डेट से लेकर के 15 मार्च तक यहाँ पे ऑनलाइन करने का डेट है। अब यहाँ पे जिस आप जोन से बिलोंग करते हो, जिस बिलोंग जोन से आप फॉर्म ऑनलाइन करवाना चाहते हो, तो उस जोन से यहाँ पे क्लिक करके जो है फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भी यहाँ पे जो है फाइनली यहाँ पे आपका मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है जो देखता है आप मेरे फ़ोन पे आप डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे पूरी हेल्प कर सकता हूँ। और आपको कोई अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो भी आप यहाँ पे मुझे फ़ोन करके यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप करके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। और फोन पे पेटीएम के माध्यम से जो मेरा फी है वो आप यहाँ पे पेड कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे अगर आपको कोई जानकारी अगर लेनी हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या मुझे व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगा। और यहाँ पे रही बात यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने की, तो आप मेरे ट्रैवल एजेंसी पे अगर नियर भी के हैं तो आप मेरे ट्रैवल एजेंसी पे आकर के विजिट कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो आप मेरे ट्रैवल एजेंसी पे विजिट करके जो है अपना फॉर्म इजीली भरवा सकते हैं। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या कोई भी लेटेस्ट फॉर्म जो आता है वो आपको समय से समय यहाँ पे मिलता रहेगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।